छक्के पे छक्का लगाकर प्रतिद्वंदियों को धूल चटाना हो या भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कप दिलाना हो, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने की साहस दिखानी हो या मैदान पर प्रशंसकों की खूब तालियां बटोरनी हो, यह सब खूबी थी भारतीय टीम के पूर्व उपकप्तान युवराज सिंह में। युवराज ने 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्रिकेट टीम में उनकी जो जगह और मैदान में जो उनके कारनामे देखने को मिले वह काफी यादगार रहे। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए कई ऐसे टूर्नामेंट जीतकर देश का नाम रोशन किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब चाहे वह विश्व कप टूर्नामेंट हो या टेस्ट मैच हो या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो या फिर आईपीएल मैच ही क्यों ना हो, 2020 विश्व कप में तो ऐसे छक्के लगाए कि लोग आज भी युवराज को सिक्सर मैन नाम से याद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन क्रिकेट टीम के सिक्सर मैन युवराज सिंह यानी यूवी के बारे में कुछ खास बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व उपकप्तान और सिक्सर मैन नाम से मशहूर युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 में चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ। पिता भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, जबकि माता का नाम शबनम है और एक भाई भी है जिनका नाम जोरावर सिंह है। माता पिता के तलाक के बाद युवराज ने ज्यादातर अपनी मां शबनम के साथ ही जिंदगी बिताई। युवराज ने अपनी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की है। स्कूल के दिनों में दो पंजाबी फिल्म मेहंदी संगड़ी और पट सरदार में बाल कलाकार की भूमिका में काम कर चुके युवी को क्रिकेट खेल से ज्यादा टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में ज्यादा रुचि हुआ करती थी। तभी तो युवी ने अंडर 14 में रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप भी जीता था, मगर पिता युवराज सिंह को कुछ और ही पसंद था। दरअसल पिता की इच्छा थी युवराज उन्हीं की तरह क्रिकेट खेल में एक तेज गेंदबाज बने और देश का नाम रोशन करे, इसलिए पिता योगराज युवराज को खुद क्रिकेट खेल की ट्रेनिंग दिया करते थे। आखिरकार पिता की कोशिशें सफल हुई और युवी ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करते हुए 11 साल की उम्र में पंजाब की ओर से अंडर 12 और 16 टीम में सन 1995 से 1996 तक जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेला। इसके बाद अंडर 19 टीम में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 1996 से 1997 तक खेला। इसी तरह वर्ष 2000 तक युवी पूरे भारत भर में राष्ट्रीय स्तर के मैच खेलते रहे। इसी साल युवी ने भारतीय टीम की तरफ से अंडर 19 विश्व कप खेला जिसे मोहम्मद कैफ की कप्तानी के नेतृत्व में जीत लिया गया। युवी के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड का हकदार भी बना दिया। अंडर 19 टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के ही चलते युवराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नॉकआउट ट्रॉफी प्रतियोगिता में जगह मिल गई, जहां उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच केन्या के खिलाफ खेला और 17 सालों तक अच्छे बुरे प्रदर्शन के साथ खेलते रहे। 10 जून 2019 को युवी ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। युवी ने अपने क्रिकेट करियर में जितने भी पुरस्कार और सीरीज को जीत कर नाम बनाया हो, मगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड और ख्याति T20 विश्व कप से मिली। वर्ष 2007 में राहुल द्रविड़ के त्याग पत्र के बाद युवराज को उपकप्तान की जिम्मेदारी मिली। T20 विश्व कप में युवी को हार्ड हीटर बल्लेबाज की भूमिका में टीम में शामिल किया गया और इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगातार जड़े, साथ ही मात्र 12 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया जो एक तरह का विश्व रिकॉर्ड बन गया। युवी के इस परफॉर्मेंस से भारत ने न सिर्फ T20 कप ही जीता बल्कि युवराज को सिक्सर मैन की ख्याति भी मिली और युवी मशहूर हो गए। इसके बाद बहुत सीरीज हुई, युवी खेलते रहे, जीतते रहे, कभी खराब प्रदर्शन रहा तो कभी अच्छा खेलकर 2011 के ICC वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच अवार्ड चौथी बार अपने नाम किया। इसी की बदौलत युवी को मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट अवार्ड भी मिला। वर्ष 2011 तक खेल के मैदान में युवी धुआंधार अपने नाम अवार्ड करते रहे, देश दुनिया में काफी मशहूर हो चुके थे। तभी उनको पता चला कि उनके बाएं लंग में कैंसर है जो पहले चरण में था, जिसके इलाज के लिए युवी को अमेरिका जाना पड़ा, जहां उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर बोस्टन में करीब 1 साल तक कीमियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इलाज करवाया। करीब 1 साल के लंबे इस इलाज के बाद वर्ष 2012 में युवी भारत लौट आए।
कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ाई जीतने के बाद एक बार फिर मैदान में T20 वर्ल्ड कप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कहे जाने वाले युवराज का प्रदर्शन आईपीएल में ज्यादा कुछ खास तो नहीं रहा, मगर अपने दौर के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक थे युवराज। वर्ष 2014 में युवराज को 14 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने खरीदा था। इसके बाद वर्ष 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने 16 करोड़ में खरीदा, जबकि सन 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 7 करोड़ में इनको खरीदा। यूवी आईपीएल के सीजन 2 में पंजाब की टीम किंग्स 11 के कप्तान भी चुने जा चुके हैं। क्रिकेट खेल के अलावा युवराज की निजी जिंदगी भी रोमांचक रही है। युवराज के वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह भी एक फिल्मी सीन से कम नहीं है। युवराज ने ब्रिटिश मूल की एक अभिनेत्री हेजल किच से 30 नवंबर 2016 में पंजाबी रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया है। दरअसल युवराज की लव स्टोरी भी पूरी फिल्मी है। एक दौर ऐसा था जब युवराज हेजल के लिए पागल थे। वह उनसे बात करना चाहते थे और दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन हेजल युवी को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार हेजल ने युवी से मिलने का मन बना लिया और कुछ दिनों तक मेल मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी कर ली। हेजल वही ब्रिटिश एक्ट्रेस है जो करीना कपूर सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में नजर आ चुकी हैं। युवराज अपनी कड़ी मेहनत और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बावजूद एक ऐसी शख्सियत बन गए कि सिर्फ खेल के तमाम अवार्ड और खिताब ही नहीं, बल्कि वर्ष 2012 में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। यही नहीं, वर्ष 2014 में युवी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।